भाई क्यों ना हम अपना घर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। ओके मुझे पता नहीं है क्या कह रहा है भाई। डॉग इधर ही था, कहाँ गया भाई? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। तो गाइस आज हम एक काम करने वाले हैं, तो हमारे पास एक मिशन है तो उसी को ही हमें कंप्लीट करना है। तो भाई जल्दी जल्दी मिशन करने पड़ेंगे क्योंकि भाई अभी हम इस गेम को पूरा कंप्लीट करना है। तो हमारे नज़दीक ही एक मिशन है जिसको मैं मतलब कि अभी मैं करूँगा, पर मैं टैक्सी लेके जाऊँगा। और ये फ़ोन पता नहीं किसका आ रहा है, एक बार ही उठा के देख ही लेते हैं कौन है। ओके It's Amanda. Amanda DeSanta. We met at my house. Oh, yeah. Shit, where you at? Look, I know that you and my husband and तो गाइस वो कोई काम का फ़ोन नहीं था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा भाई क्यों ना हम अपना घर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि आज तक मैंने कभी किया नहीं है और मैं वैसे करना भी नहीं चाहता। पर एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, कि सच्ची में घर टूटेगा कि नहीं। तो एक बार ही मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर बॉम्ब फेंक के, स्टिकी स्टिकी बॉम्ब नहीं मतलब ग्रेनेड। तो ये मैंने फेंका पहला और देखते क्या होगा। ओके थोड़ा सा तो हुआ पर अरे भाई कांच तो टूटा ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, एक और बार फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे अंदर से। ओके तो हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा जहाँ पर ये वार्ड रूम है, मैं इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ओके अरे भाई भाई, तो हम अंदर आके कोई भी मतलब वेपन नहीं चूज़ कर सकते, इसका मतलब कि हम नहीं तोड़ सकते अपना घर। तो ओके तो मैं जो मिशन करना था वही करने चलते हैं, और जॉब भी यहीं पर ही है। गाइस पहुंच चुके हैं हम उस लोकेशन पे, और यहाँ पर एक वैन खड़ी है तो हमें उसी को ही उठाना है, मतलब कि यहाँ से स्टील करके लेके जाना है मतलब। तो मेरे को नहीं पता कहाँ लेके जाना, तो सबसे पहले इस वैन में बैठते हैं। ड्राइव द वैन टू द शॉप बिफोर द ओके तो जब अभी टाइम चल रहा है 3 मिनट का, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 3 मिनट के नज़दीक ही है। तो हमें उसके मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर इस वैन को एक शॉप के अंदर पहुँचाना है। तो वो शॉप भी शायद मेरी है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो मेरे को भाई डर लग रहा है क्योंकि भाई एक तो वैन ये स्लो होगी, और दूसरा भाई मैं धोखे बगैर तो लेके जा नहीं सकता। अभी देखते हैं भाई शॉप में किस हालत तक लेके जाऊंगा। और भाई पहली बार ठोक दिया, अब चलो गिनता भी हूँ मैं कितनी बार ठोकता हूँ, एक बार तो ठोक चुका हूँ। और अगर गाइस इधर तक आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कर देना। और दूसरी बार आपने ठोक दिया है। ओके देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस पिछली कई देर से मैं बिना ठोके गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, और अरे नहीं 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 अरे यार भाई, कोशिश तो बहुत करी थी कि बीच में से निकाल लूँ गाड़ी को, नहीं निकली। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से तो निकाल ही लूँगा मैं। ओके तो हम पहुँच ही चुके हैं, बहुत नज़दीक है, और टाइम भी कम रह गया है। और टाइम कम होने से पहले मैं मेरे को लगता है मैं पहुँचा दूँगा, पर भाई दिल से नहीं लग रहा कि मैं पहुँच जाऊँगा, पर मैं पहुँच जाऊँगा ऐसे मेरे को लग रहा है। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा रास्ता भी कम हो गया है, और मैं थोड़ा सा भटक भी गया हूँ, एक मिनट मैंने गलत ले लिया कट। ओके तो ये मेरी शॉप है, इस मेरी शॉप का नाम लिखा हुआ, और मेरे को यहाँ से लेके जानी है अंदर को। और अरे भाई चल जा यार, एक मिनट गई 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 गई। ओके 3 2 1 अरे, और टाइम पहुँचा दिया मैंने, पहुँचा दिया नहीं शायद पहुँचा दिया, पता नहीं क्या हुआ यार। खुल जा भाई मैं पहुंच गया, थोड़ा सा ही टाइम था। पास हो गया वैसे भाई, मिशन मैंने पास कर लिया है, कोई बात नहीं गाइस अब हम नेक्स्ट मिशन करते हैं, ये मिशन तो हमने कर ही लिया है। Many hours later. तो गाइस मैं जा रहा था पहाड़ों वाली साइड में घूमने, और यहाँ पर मेरे को उसने उतार दिया पता नहीं क्यों। और यहाँ पर एक कुत्ता है, और ये मेरे पास आया है, और ये भौंक रहा है। अरे भाई कुत्ता तो भौंके गई भाई, फ्रैंकलिन भौंके वो अलग बात है। ओके मुझे पता नहीं है क्या कह रहा है, तो ये शायद कुछ भोंक के हमें समझा रहा है, और फ्रैंकलिन समझ भी रहा है शायद। भाई फ्रैंकलिन कुत्तों के साथ ही रहता है वैसे, चॉप के साथ उसका कुत्ता जो है, वैसे भी इसको समझ आ ही जाएगा। और ये कुत्ता कहीं चला गया है, और शायद हमें अब इसको फॉलो करना है। भाई रुक जा भाई, इतनी तेज़ भाग रहा है। ओके फॉलो द डॉग, चलो देखते हैं हमें ये कहाँ तक भगाएगा। और ये कहीं पहाड़ों वाली साइड लेके जा रहा है भाई, ये ना हो आगे 5 6 कुत्ते खड़े और ये मेरे को कटवा दे, कहीं ये चौप के दुश्मन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुक जा भाई, कितनी दूर तक भगा के लेके जाएगा भाई, यहीं पर ही मेरा वजन कम करवा देगा ये। ओके तो यहाँ पर, अरे भाई ये कौन है? ओके तो ये मेरे को यहाँ पर लेके आया, और यहाँ पर एक बंदा
मतलब पैराशूट पे फंसा हुआ है ये, शायद कूद रहा होगा प्लेन से और यहाँ पर आके ये फंस गया प्लेन, मतलब कि यहाँ पर ये गिर गया है। ओके सुनते हैं क्या कह रहा है। और अरे भाई क्या हुआ भाई, डॉग इधर ही था, कहाँ गया भाई? भाई शायद डॉग पता नहीं कहाँ चला गया भाई, अभी तो यहीं था भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे ख्याल से कहीं वो भूत भूत तो नहीं था कोई कुत्ता, ये ऐसा तो नहीं होगा गेम में। ओके तो अभी सुनते हैं ये क्या कह रहा है। I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. Hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go. Follow Dom. Okay, तो ये हमें कह रहा है कि मेरे साथ पैराशूट के, मतलब मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, तो बता देना भाई जिसको पता है कमेंट में। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ गया, तो अब मैं भी इसके साथ मतलब प्लेन से कूदूंगा नीचे पैराशूट के साथ। यार मैं नाम भूल गया, मेरे को याद था भाई फ्री फायर खेलता हूँ, मेरे को याद होना चाहिए वैसे, पर अभी याद नहीं है। ओके तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर रुक गया है, तो मेरे को चलाना तो नहीं, नहीं नहीं मेरे को नहीं चलाना, तो हमें यहाँ पर बैठना है। अरे भाई साइड होना यार, मैं बैठूँगा यहाँ। गाइस कई देर बाद हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, तो अभी यहाँ से हम कूदेंगे, और मेरे को लगता है हम इसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं भाई, मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं, तो मेरे को ऐसे लग रहा है। ओके स्काई डाइविंग, हाँ स्काई डाइविंग कहते हैं। ओके तो अभी हमें ये जो जोन है यहीं नीचे कहीं, तो उसी के बीचों बीच उतरना है, तो भाई देखते हैं मैं कितना परफेक्ट हूँ। कहीं दिख तो वैसे रहा नहीं, थोड़ा बस मैप में दिख रहा है येलो कलर का, तो आई थिंक भाई ये मैप के मतलब यहीं होगा पहाड़ों के कहीं बीचों बीच में, या फिर बीच में होगा शायद, ऊपर तो होगा नहीं, यहीं रखेंगे भाई। ओके भाई कंट्रोल तो आता है मेरे को। ओके गाइज हम लैंड होने वाले हैं, पर हम गलत जगह लैंड हो गए। हमें जो ऊपर ब्लू कलर का, ब्लू नहीं मतलब येलो कलर का वो दिख रहा है सर्कल, वहाँ पर लैंड करना था, और गलती से हम नीचे लैंड हो गए। तो आई थिंक भाई इतना तो चलता है, देखते हैं क्या कहता है। ओके लैंड तो हो चुके हैं, अभी देखते हैं मैसेज आए, नहीं भाई नहीं चलता है। ओके गाइज एक और बार ट्राई करी है मैंने, और अब पैराशूट खोलने का टाइम आ गया है। भाई थोड़ी सी जल्दी कर लिया, पर कोई बात नहीं, आराम से लैंड कर देंगे नीचे। भाई जगह भी थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए तो ओके गाइस मेरे को लग रहा है हम फिर से नहीं उतर पाएंगे। ओके नहीं नहीं उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे। और अरे यार फिर से, ओरे भाई गेट इन, ओरे यस यस यस। ओके तो थोड़ा सा दूर था भाई, इतना तो चलता है, ऐसे हम उतरे तो ऊपर ही है भाई। भाई अच्छा है, शुक्र है भाई कहीं फेल नहीं हुआ भाई, वहीं गोल पर ही उतरो ना ना। ओके तो अभी हमें कोई बाइक ढूंढनी है यहाँ पर, बाइक, अरे ओके बाईसाइकिल बोलो ना भाई, बाइक बोल रहे हैं। ओके तो मेरा फेवरेट कलर येलो है। ओके यहाँ पर हम ले आए, अरे भाई एक मिनट मैं ही नहीं दिख रहा उसको, दिखेगा कैसे, वो सोचेगा भाई कहाँ पर चला गया, वो भी यहीं कहीं आ ही रहा होगा मतलब। ओके वो शायद लैंड करने वाला है, वो रहा भाई, वो तो परफेक्ट जगह पर उतरा है भाई, पहले पता नहीं कैसे गलती हो गई इससे, ऐसे लगता तो नहीं इतना अच्छा करता होगा। ओके अभी आ जा भाई जल्दी आ यार, रेस डॉम। ओके तो अब हमें इसके साथ रेस लगानी है, और ए से चलता है, ए से चलती है साइकिल, और हमें ये सब कंप्लीट कर, अरे भाई इतनी तेज चला रहा भाई ये साइकिल, मेरे को भाई ये कौन सा बटन दबा रहा है, ए ही होता है वैसे तो, और कोई नहीं होता। और भाई मेरे को ये डर लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊँ, और इसे ये डर लग रहा है कि ये आगे ना निकल जाए, भाई मेरे को चलानी नहीं आती अच्छी तरह, वैसे मेरे को चला दूँ तो कुछ नहीं आता GT5 में। भाई हमें नीचे उतरते भी बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सामने से अगर कोई आ गया भाई, अगर कोई जानवर ही आ गया भाई हम तो गए। एक मिनट, वैसे तो भाई मैं सही कर रहा हूँ, अभी तक मैं गिरा नहीं हूँ एक बारी भी, वैसे भाई मैं अगर कोई कार कुर होती नहीं, अगर कोई दूसरी बाइक होती मैं कब का गिर, अरे 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 भाई बच गया भाई, बहुत रिस्की है यार यहाँ पर बाइक चलाना, अरे भाई बार बार बचा भाई मैं, अभी गया था नीचे, अगर नीचे गिर जाता भाई बेइज्जती हो जाती। एक मिनट अब यहाँ से मेरे को टर्न लेना है, पहले ही पता चल गया दूर से ही दिख रहा है ये तो, और भाई बहुत नीचे उतरना यार, बहुत टाइम लगेगा, और अभी मैं इससे बहुत पीछे चल रहा हूँ,
भाई ये बहुत आगे निकल गया, पता नहीं भाई ये कैसे साइकिल चला रहा है। भाई चला तो सेम ही रहा हूँ, पता नहीं आगे क्यों नहीं निकल पा रहा मैं। गाइस मेरे को लग रहा है मेरे को शॉर्टकट लेना पड़ेगा, पर ये जो चेक्स है यहाँ पर मेरे को रुकना भी पड़ता है, चेक्स को मतलब कंप्लीट करना होता है भाई, नहीं तो मैं कब का शॉर्टकट ले जाता। ओके अभी बहुत आगे चल रहा है और अब तो जंप्स भी आ रहे हैं, मतलब जंप करना पड़ेगा। यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ पर भाई आगे साइन है भाई, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और यहाँ से मेरे को जंप लगानी पड़ेगी। अरे नहीं लगी यार भाई, वो कैसे लगा रहा है इतनी ऊँची जंप भाई, इतनी ईजीली लगा रहा है और मेरे को कितना जोर लग रहा है। मेरे ख्याल से भाई वो एक्सपर्ट है, उसको आती है भाई साइकिल चलानी और मेरे को नहीं आती। और अभी एक और जंप आई है और ये, अरे भाई सीधा गटर में गिरा यार, नाले में गिरा भाई। बहुत बढ़िया साइकिल चला रहा है भाई, मेरी साइकिल तो चल ही नहीं रही है और मेरे ख्याल से वही जीतेगा। गाइस एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं ए को प्रेस करके रखता हूँ तो साइकिल स्लो चलती है, और मैं दबा मतलब बार बार दबाई जाता हूँ तो तेज चल रही है। अच्छा भाई ऐसे चलते, अरे यार मैंने को लास्ट में पता चला यार। छी ओके तो हम रेस जीत चुके हैं, यानी हार चुके हैं। Foremost, trust yourself. Pushing out is what is gonna get you knocked out. Yeah, whatever. But me being a fucking idiot is gonna get me killed. Listen, meet me by the airport for life lesson numero doso. ओके गाइस वो तो जा चुका है और भाई फ्रैंकलिन की बहुत बुरी हालत हो गई और लास्ट में आके मेरे को पता चला कैसे साइकिल चलाते हैं। और अभी तक मिशन ओके मिशन भी पास हो चुका है और ये भाई मिशन बहुत अच्छा था। और भाई वो डॉग का तो पता नहीं भाई किधर चला गया, वो डॉग पता नहीं कौन था भाई, मेरे को नहीं पता। भाई वो मेरे को यहाँ तक लेके आया, ओके भाई उसको भी नहीं पता था वैसे। और अब हम पैराशूट की प्रैक्टिस भी कर सकते, प्रैक्टिस क्या मतलब अगर हमारा मन हो। और ये मैंने मार दी भाई, मन कर रहा था पता नहीं क्यों मार दिया। स्वागत तो करो हमारा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैंने मार दिया एक डियर, तो उसको भी भाई छुपाना पड़ेगा कहीं केस ना हो जाए मेरे पे। और मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।